some MCQ, multiple choice questions, that is on green chemistry and nanochemistry. तो मैं क्या कर रही हूँ, पहले नैनो केमिस्ट्री के एमसीक्यू ले रही हूँ, फिर ग्रीन केमिस्ट्री के एमसीक्यू लेते हैं, ठीक है बेटा? चल, पहला, 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी मीटर? दिस वेरी सिंपल क्वेश्चन. 1 नैनोमीटर और मीटर में क्या कन्वर्जन है? सही, इट इज 10^-9. सो 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10^-9 मीटर. ओके, चलिए, द साइज ऑफ नैनो मटेरियल रेंजेस बिटवीन. नैनो मटेरियल में क्या क्या आता है? नैनो पार्टिकल्स, नैनो स्फीयर्स, नैनो रिंग्स, नैनो ट्यूब्स, राइट? तो ये सारे जो नैनो पार्टिकल्स है, नैनो मटेरियल है, ये नैनो मटेरियल का रेंज कहाँ से कहाँ तक जाता है? 1 नैनोमीटर to 100 नैनोमीटर. यस, सही आंसर, वेरी करेक्ट. आप लोग क्या करो, जब ये वीडियो देख रहे हैं, आप लोग खुद सॉल्व करो, ठीक है? मैं आंसर देने से पहले आप खुद ट्राई करो आपको कितना आ रहा है, ठीक है? चलो अगला देखते हैं. आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, रॉन्ग वाला स्टेटमेंट पूछा है रिगार्डिंग द नैनो मटेरियल्स. नैनो मटेरियल्स के रिस्पेक्ट में कौन से इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, ये पूछा जा रहा है. चलो देखते हैं. द प्रॉपर्टीज ऑफ नैनो मटेरियल चेंजेस एज फंक्शन ऑफ साइज. वेरी करेक्ट. जैसे साइज बदलती है, नैनो मटेरियल का प्रॉपर्टी बदलता है. आई गिव यू वेरी नाइस एग्जाम्पल, गोल्ड. गोल्ड एज अ बल्क, बल्क समझते हैं, बड़ा वाला गोल्ड का ब्लॉक, कलर क्या रहेगा? गोल्डन येलो. लेकिन वही अगर आप गोल्ड के नैनो पार्टिकल्स का कलर देखेंगे तो उसका कलर होता है रेड. अंडरस्टूड? सो डिपेंडिंग अपॉन द साइज द कलर चेंजेस. ब्लू भी होता है, सो गोल्ड का पार्टिकल्स का सम गोल्ड पार्टिकल दे शो ब्लू कलर ऑल्सो. सो ब्लू, रेड एंड फाइनली गोल्डन येलो, डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ द पार्टिकल. नैनो मटेरियल पोजेसेस यूनिक मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी. यस, नैनो पार्टिकल्स में उनकी इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है, अल्टर हो जाती है. जैसे कार्बन के नैनो ट्यूब्स, दे आर वेरी गुड सेमीकंडक्टर्स और दे आर कंडक्टर्स, वेर एज कार्बन एज अ होल बल्क, बल्क समझते ना, इट इज अ इंसुलेटर. अगला, नैनो मटेरियल्स आर लार्जर देन बैक्टीरिया एंड सेल्स बट स्मॉलर देन अ टेनिस बॉल. नो, नैनो पार्टिकल्स बैक्टीरिया से बड़े हैं, ऐसा बोलना है इनका. और सेल, सेल मतलब ह्यूमन बीइंग के अंदर जो सेल्स होती है टिश्यूज के अंदर, वो उनका कहना है, वो बोल रहे हैं कि नैनो मटेरियल्स आर लार्जर देन बैक्टीरिया एंड सेल्स. नो, राइट? तो मुझे लगता है सी अभी तक इनकरेक्ट आया है, ये दोनों करेक्ट थे. डी वाला ऑप्शन देख लेते हैं. The term nano in Greek means dwarf. Dwarf is small. छोटे को dwarf बोलते हैं. Yes, dwarf मतलब क्या? Small. So Greek language में dwarf का मतलब होता है small. इसीलिए nano particles को या nano material को dwarf बोला जाता है. तो लगता है एक ही incorrect statement है, वो हो गया C. Okay? चलो. Nano rod. ये रहा nano rod. एक मिनट. ओके, ये रहा नैनो रॉड्स. ये जो नैनो रॉड्स होते हैं, उनका कहना है कि ये किसके एग्जाम्पल है? नैनो स्ट्रक्चर के. नैनो रॉड्स आर द एग्जाम्पल्स ऑफ वन डायमेंशन. यू आर टॉकिंग ओनली अबाउट द लेंथ, सो इट इज ओनली ऑफ वन डायमेंशन. नैनो रॉड्स में सिर्फ लेंथ के बारे में बात किया जाता है, सो इट इज ओनली वन डायमेंशन. यस, अगला देखते हैं. Which of the following nano material has 2 dimension and less than 100 nanometer? 2 dimension में रहेगा, 2 length and breadth, 2 dimension में रहेगा. और पूछा है कि उसका 100 nanometer से साइज कम. वेरी करेक्ट, द आंसर इज नैनो वायर्स. जो नैनो वायर्स होती है ना बेटा, ये वायर्स, इसका लेंथ एंड ब्रेथ दोनों को मेजर किया जाता है और दोनों अपने लिए इम्पॉर्टेंट है. तो इसका मतलब जब नैनो रिंग बनाई जाएगी तो उसका लेंथ और उसका ब्रेथ, मतलब उसकी डायमेंशन, दोनों कंसिडर की जाएगी. अंडरस्टूड? ठीक है, तो ये हो गया नैनो वायर्स. क्लियर? चलो अगला देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैच्ड इनकरेक्ट, गलत मैच किया है. ऑल 3 dimension लेस देन 100 nanometer. क्वांटम डॉट्स, ठीक से देखिएगा.
क्वांटम डॉट्स माने क्वांटम पार्टिकल्स, ये ऐसे दिखाए जाते हैं, क्वांटम डॉट्स, यस। अगला, टू डायमेंशन लेस देन 100 नैनोमीटर नैनो शेल्स, ओके। वन डायमेंशन लेस देन 100 नैनोमीटर थिन फिल्म्स, थिन फिल्म मतलब इसके ऊपर अगर फिल्म डाला है, शीट कोटिंग कवर, इट इज थिन फिल्म। सो पूछा है इनकरेक्ट मैच किसका है, कौन से गलत है, मतलब इन दोनों के जो मैचेस है वो कौन से गलत है। क्यू सेकेंड देखते हैं, टू डायमेंशन है लेस देन 100 नैनो शेल्स, नो, नैनो शेल्स में टू डायमेंशंस नहीं होते हैं, नैनो शेल्स आर ओनली अबाउट वन डायमेंशन, क्लियर, सो दे आर वन डायमेंशन। सो चलिए सेवेंथ वन देखते हैं, द कलर ऑब्जर्व इन द केस ऑफ एलिमेंटल गोल्ड एट बल्क इज डिफरेंट देन दैट ऑफ गोल्ड पार्टिकल एट नैनो स्केल, मतलब छोटे गोल्ड के पार्टिकल्स लिए तो उसका कलर और बल्क वाला गोल्ड का कलर डिफरेंट है, क्यों, दिस कैन बी कैटेगराइज एज अ प्रॉपर्टी ऑफ नैनो मटेरियल, कौन सी प्रॉपर्टी को बोलेंगे आप, इलेक्ट्रिकल ना, कैटालिटिकल बिल्कुल नहीं, ऑप्टिकल शायद यस, क्योंकि आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, सो इट इज अ ऑप्टिकल प्रॉपर्टी, नॉट इवन थर्मल, थर्मल प्रॉपर्टी में हम लोग मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं, जब आप बल्क वाले मटेरियल की बात करते हैं और जब आप नैनो मटेरियल की बात करते हैं उसका मेल्टिंग पॉइंट रिड्यूस हो जाता है, समझ गए। और कैटालिटिक मतलब क्या हो जाता है, जैसे निकेल प्लैटिनम पैलेडियम, यस, इनको जब आप हाइड्रोजनेशन के लिए यूज करते हैं तो उसको कैटालिटिक प्रॉपर्टी बोलते हैं, आप सिल्वर या फिर सॉरी निकेल प्लैटिनम पैलेडियम या फिर सिल्वर के भी पार्टिकल्स कैटलिस्ट करके यूज करते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के लिए, वाटर प्यूरिफिकेशन, दैट इज अ कैटालिटिक प्रॉपर्टी, अंडरस्टूड कैटालिटिक प्रॉपर्टी, ओके। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी मतलब अभी बोला मैंने आपको कार्बन, हाँ ना, इट इज एक्टिंग एज अ सेमी कंडक्टर वेन इट इज इन द नैनो साइज, नैनो स्केल, ओके, नैनो स्केल माने नैनो साइज। सो दिस इज अ क्वेश्चन नंबर सेवन, आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दिस। चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, हाँ एक मिनट, इसका आंसर क्या बोला, ऑप्टिकल, सही बोला आपने, वेरी गुड। चलो क्वेश्चन नंबर एट, प्रोवाइड्स मोर नंबर ऑफ रिएक्शन साइट्स एंड लीड टू हायर केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ नैनो पार्टिकल, नैनो पार्टिकल में क्या हो जाता है, साइज छोटी हो जाती है, सरफेस एरिया बढ़ जाता है, इसीलिए केमिकल रिएक्टिविटी बढ़ जाती है, एडजॉर्प्शन साइज और नंबर ऑफ एडजॉर्प्शन साइट्स बढ़ जाते हैं। क्या कहा मैंने, कैटालिटिक प्रॉपर्टी क्यों दिखाते हैं नैनो पार्टिकल्स, देखते हैं बेटा, कैटालिटिक प्रॉपर्टी बिकॉज उनमें साइज डिक्रीज, सरफेस एरिया इंक्रीजेस, साइज कम हो जाती है, सरफेस एरिया बढ़ जाता है, और क्या हो जाता है, वेरी करेक्ट, केमिकल रिएक्टिविटी बढ़ जाती है। सो दिस इज अ रीजन केमिकल रिएक्टिविटी इंक्रीजेस, सो दीज आर द रीजंस ड्यू टू विच वी से दैट दे एक्ट एज अ वेरी गुड कैटालिटिक प्रॉपर्टी। तो आपका आंसर क्या आएगा, हाई सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो, सरफेस एरिया बढ़ जाता है कंपेयर टू वॉल्यूम, वॉल्यूम नहीं बढ़ेगा, सरफेस एरिया बढ़ेगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नाइन, When bulk material is subdivided into a group of individual nanoparticles, then the total volume with the surface area, उसी के जैसा क्वेश्चन है, volume to surface area, अब क्या पूछा है कि volume का क्या होगा और surface area का क्या हो गया, ऐसा पूछा है, volume क्या होगा, वैसे के वैसे रहेगा, surface area का क्या होगा, बढ़ जाएगा, हाँ या ना, volume remains same, understood? बट सरफेस एरिया इंक्रीजेस बिकॉज डिक्रीज इन द साइज ऑफ द पार्टिकल्स, बल्क से जब आप पार्टिकल के लेवल पे जा रहे हो तो छोटे छोटे पार्टिकल्स बनाने की वजह से उनके सरफेस एरिया बढ़ गए, केमिकल रिएक्टिविटी बढ़ गई, बाकी सारे फिजिकल प्रॉपर्टी अल्टर्ड हो गए, तो आंसर क्या आएगा आप सोचो, यस, रिमेन सेम एंड इंक्रीजेस, देखो हाँ, रिमेन सेम क्या बेटा, वॉल्यूम, और इंक्रीजेस क्या, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया इंक्रीजेस, वॉल्यूम रिमेन सेम, डन, समझ गए। चलो क्वेश्चन नंबर टेन,
Which of the following nanoparticle is effectively used in photocatalysis? अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है. देखो क्या होता है ना, ये दो लोग होते हैं, जिंक ऑक्साइड एंड टिटेनियम ऑक्साइड. यस, जिंक ऑक्साइड एंड टिटेनियम ऑक्साइड, दीज आर द, ये भी यूज किया जाता है या फिर इसका एक TiO वाला फॉर्म भी यूज किया जाता है. ओके, दिस इज कॉल्ड डिसप्रोपोर्शन, मतलब इनमें प्रोपोर्शन नहीं है कोई, समझे आप लोग. ओके, तो हम क्या बोल रहे हैं कि ये जो दो लोग हैं ये सनस्क्रीन लोशन में यूज किया जाता है. एक थोड़ा मार्केट वाला एप्लीकेशन बता रही हूँ मैं, जहाँ पे अप्लाइड पार्ट है. सो दीज टू आर यूज इन द सनस्क्रीन लोशन. दे प्रोटेक्ट अस अवर स्किन फ्रॉम यूवी लाइट, वन. सो कैन आई से दे कैन बी यूज इन द फोटो कैटालिसिस? यस. तो आपका आंसर, जहां जहां फोटो कैटालिसिस करना है वहां पे आप इन दोनों में से किसी को भी यूज कर सकते हैं. तो अभी आप ही मुझे आंसर बता दीजिए. वेरी करेक्ट, यू गॉट द आंसर, जिंक ऑक्साइड, डन. चलो आगे बढ़ते हैं. ओके, नैनो मटेरियल, नैनो मटेरियल बेस्ड कैटलिस्ट, जितने भी नैनो मटेरियल वाले कैटलिस्ट है ना, सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात क्या है, दे आर ऑल हेट्रोजीनस कैटलिस्ट, नंबर वन. नंबर टू, दे कैन बी इजीली सेपरेटेड. मैं आपको बहुत बढ़िया एक डायग्राम बना के बताती हूँ, थोड़ा ध्यान दीजिए सब लोग. सपोज ये रिएक्शन है, दिस रिएक्शन इज गोइंग ऑन. ये जब रिएक्शन चल रही है तब हमने इसके अंदर एक कैटलिस्ट डाल दिया. These catalysts are added here, but in the form of, maybe ऐसे एक मैंने एक छोटा सा पाउच करके डाल दिया. Yes, so they can be easily separated. These are the catalysts which are nanomaterial. ये nanomaterial है और ये heterogeneous है. मजे की बात क्या है, ये heterogeneous है, they are not going to mix with your रिएक्शन मिक्सर. इसका मतलब इसका फेज और आपके रिएक्शन मिक्सर का फेज अलग अलग है. दे आर इन द डिफरेंट फेजेस, फिजिकल स्टेट डिफरेंट है. अगर फिजिकल स्टेट डिफरेंट है तो इजीली सेपरेबल है. इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि नैनो मटेरियल को जब आप कैटलिस्ट करके यूज कर रहे हैं वो हेट्रोजिनस है और इजीली सेपरेट हो सकते हैं. रिसाइकल्ड, रीयूज्ड. ये रिएक्शन खत्म, ये डाल दिया पोटली के जैसा इधर, रिएक्शन खत्म, निकाल दो उसको, दूसरे रिएक्शन में यूज कर दो, दूसरे रिएक्शन खत्म, तीसरे में यूज कर दो. सो बल्क में मुझे बनाना है और बड़े महंगे वाले कैटलिस्ट यूज करने हैं, निकेल, प्लैटिनम, पैलेडियम, सिल्वर, गोल्ड. अगर आपको इनको यूज करना है एज अ कैटलिस्ट इन द फॉर्म ऑफ नैनो पार्टिकल, तो आप लोग जितने भी बड़े स्केल पे रिएक्शन करोगे ये कैटलिस्ट यू रीयूज कर सकते हैं. दे कैन बी यूज्ड रिसाइकल्ड, अंडरस्टूड. तो ये रहा आपका कैटलिस्ट का एक बेनिफिट एज ए नैनो पार्टिकल. तो चलिए क्वेश्चन क्या पूछा है वो देख लेते हैं. नैनो मटेरियल बेस्ड कैटलिस्ट आर होमोजेनस? नहीं. शो डिक्रीज कैटलिटिक एक्टिविटी? नो. हैव स्मॉलर सरफेस एरिया एज कंपेयर टू बल्क फॉर्म? नो. सरफेस एरिया बढ़ जाता है, वॉल्यूम कॉन्स्टेंट रहेगा. तो शायद लास्ट वाला ऑप्शन देखिएगा, कैन बी रिसाइकल्ड. तो आपका आंसर आ गया, कैन बी रिसाइकल्ड. अंडरस्टूड दिस? समझ गए ना? चलो अगला वाला एमसीक्यू देखते हैं. 12th, द डायमीटर ऑफ कोलाइडल पार्टिकल. अब ये कोलाइडल पार्टिकल बीच में से क्यों आ गया? बिकॉज दिस नैनो पार्टिकल्स प्रिपरेशन इन्वॉल्व्स ऑल सोल जेल मेथड. सोल जेल मेथड जिसमें हम लोग स्टेप बाय स्टेप रिएक्शन परफॉर्म करते हैं, जिसमें पॉलीमराइजेशन रिएक्शन होती है, ड्राइंग होती है, एजिंग होती है. यस, ड्राइंग मतलब रिमूवल ऑफ वाटर एंड वोलाटाइल सॉल्वेंट्स. एजिंग मतलब क्या? सेमी सॉलिड को सॉलिड मास में कन्वर्ट करना. पॉलीमराइजेशन का मतलब क्या? आप छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को पॉलीमराइजेशन के लिए प्रोसेस में डाल रहे हैं, पॉलीमराइजेशन के प्रोसेस के लिए डाल रहे हैं. सो हाइड्रोलिसिस, पॉलीमराइजेशन, कंडेंसेशन, देन एजिंग, these are all the methods or the steps involved in the sol gel method of preparation of colloidal particles.
सो द डायमीटर ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स रेंजेस बिटवीन. अब वही तो पूछा है कि जो कोलाइडल पार्टिकल्स है उनकी डायमेंशन क्या है. वेरी करेक्ट, वही तो आएगी ना जो आपके नैनो पार्टिकल की है. आफ्टर ऑल नैनो पार्टिकल इन्वॉल्व्स हेटरोजीनस सिस्टम, दैट मीन्स इट इज ऑल्सो कोलाइडल सिस्टम. सो इट इज 1 नैनोमीटर to 100 नैनोमीटर. इज दिस क्लियर टू ऑल? यस. चलो, सोल जेल प्रोसेस, अभी इसका मेंशन किया था मैंने. सोल जेल प्रोसेस, राइट डाउन इन योर नोटबुक. सोल जेल प्रोसेस इज वन ऑफ द प्रोसेस इन्वॉल्व इन द प्रिपरेशन ऑफ नैनो मटेरियल. ठीक है बेटा, अभी नैनो मटेरियल मतलब क्या आता है? सब आता है उसमें. नैनो पार्टिकल, नैनो ट्यूब्स, नैनो जेल्स, इवन नैनो शीट, क्वांटम डॉट्स, नैनो पार्टिकल्स. ओके, तो इनको तैयार करने के लिए बड़ी अच्छी प्रोसेस है जिसका नाम है सोल जेल प्रोसेस. इज बेस्ड ऑन डैश रिएक्शन इन ऑर्गेनिक पॉलीमराइजेशन. ये बहुत ही करेक्ट है. दूसरे भी ऑप्शन देख लेते. ऑर्गेनिक डिकम्पोजिशन, इनऑर्गेनिक प्रेसिपिटेशन, ऑर्गेनिक प्रेसिपिटेशन. तो करेक्ट और द मोस्ट अप्रोप्रिएट आएगा पॉलीमराइजेशन, जिसमें हम लोग इनऑर्गेनिक पॉलीमराइजेशन करते हैं. अंडरस्टूड? सो इनऑर्गेनिक पॉलीमराइजेशन इज अ मेन स्टेप ऑफ सोल जेल प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ नैनो पार्टिकल. ठीक है, चलो. जिलेटिन रिजल्टिंग फ्रॉम द फॉर्मेशन ऑफ एन ऑक्साइड इन्वॉल्व्स. जिलेटिन तैयार कर रहे हैं, ऑक्साइड है आपके पास ROH. हम लोग क्या करते हैं, मेटल ऑक्साइड को लेते हैं. सपोज मैंने बोला ROM, कौन है ROM? कौन हो गया? सोडियम अल्कोक्साइड की तरह ROM, सोडियम अल्कोक्साइड, जिंक अल्कोक्साइड, एल्यूमिनियम अल्कोक्साइड, मेटल अल्कोक्साइड. तो ये कौन है बेटा? मेटल अल्कोक्साइड. अंडरस्टूड दिस? कोई भी नैनो मटेरियल को तैयार करने के लिए जो सोल जेल प्रोसेस होती है उसका पहला स्टेप होता है हाइड्रोलिसिस. किसका? यू टेक सोडियम, जिंक, एल्यूमिनियम और एनी मेटल जिसका आपको नैनो पार्टिकल बनाना है, उसके आप अल्कोक्साइड ले लो, अल्कोहल के साथ रिएक्ट करवा दो. यस, आपको धीरे धीरे पॉलीमराइजेशन, हाइड्रोलिसिस, पहले हाइड्रोलिसिस फिर पॉलीमराइजेशन प्रोसेस से आपको मिल जाएगा नैनो मटेरियल. सो यही क्वेश्चन है जिलेटिन के प्रिपरेशन में. सो जिलेटिन रिजल्टिंग फ्रॉम द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड इन्वॉल्व्स, आपका आंसर आएगा पॉली कंडेंसेशन रिएक्शन. जिलेटिन जो नैनो मटेरियल में बनाया जाता है उसके लिए आप लोग को उसको सडनली कंडेंसेशन करना पड़ता है आफ्टर पॉलीमराइजेशन. फर्स्ट हाइड्रोलिसिस, फिर पॉलीमराइजेशन एंड देन पॉली कंडेंसेशन रिएक्शन. सो द आंसर इज पॉली कंडेंसेशन रिएक्शन. क्यों हाइड्रोलिसिस नहीं बोला मैंने? क्योंकि जिलेटिन तभी बनेगा जब आपने पॉली कंडेंसेशन रिएक्शन करवाई. जिलेटिन बनता कब है? उन्होंने बोला है जिलेटिन रिजल्टिंग. तो जिलेटिन बनेगा कब? जब आपने पॉली कंडेंसेशन रिएक्शन की. अंडरस्टूड? ओके, चलो. अब एक बात देख लो, मैं दो चीजें पढ़ा रही हूं, ड्राइंग एंड एजिंग. देखो बेटा, ड्राइंग, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द स्टेप इन सोल जेल प्रोसेस. ओके, ड्राइंग, ड्राइंग में क्या करेंगे? रिमूवल ऑफ वॉटर और वोलाटाइल सॉल्वेंट्स. यस, रिमूवल ऑफ वॉटर और वोलाटाइल सॉल्वेंट्स. सो दिस इज कॉल्ड ड्राइंग. अंडरस्टूड? अगला है एजिंग. एजिंग का मतलब क्या? सेमी सॉलिड मास को हार्ड मास में कन्वर्ट करना, हार्ड सॉलिड. ओके, सो आई एम गोइंग टू कॉल दिस एज एजिंग. क्या होता है बेटा एजिंग में? कन्वर्जन ऑफ सेमी सॉलिड मास इनटू सॉलिड मास, दिस इज कॉल्ड एजिंग. सो एजिंग में सेमी सॉलिड मास को हमने सॉलिड मास में कन्वर्ट कर दिया, ड्राइंग में हमने वॉटर और वोलाटाइल सॉल्वेंट्स को निकाल दिया.
तो ये अलग अलग टर्म्स है ड्यूरिंग द सोलजेल प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ नैनो पार्टिकल. अंडरस्टूड? तो ये याद रखिए. अब आप आंसर बताइए मुझे, एजिंग ऑफ द जेल मीन्स द जेल ट्रांसफॉर्म इन टू, एजिंग क्या बोला है, बोला सॉलिड मास. तो आपका आंसर आ गया सॉलिड मास. समझ गए, सेमी सॉलिड का सॉलिड, इसका मतलब सॉलिड मास में कन्वर्जन. ठीक है, चलो अगला देखते हैं. एक मिनट. हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अबाउट द नैनो पार्टिकल कैन बी ऑब्टेन्ड यूजिंग यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर. यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है, उन्होंने पूछा है कि कौन सी इंफॉर्मेशन आपको मिल सकती है. बस एक टेबल दिया है मैंने आपको कुछ चीजें मालूम होने के लिए. अब देखो, अगर आप लोग नैनो पार्टिकल तैयार कर रहे हो, प्रोसीजर शुरू हो गए, आपके पास सोल जेल मेथड है, लेकिन आपको अलग अलग इंस्ट्रूमेंट यूज करके कंफर्म करना है कि आपका नैनो मटेरियल का स्ट्रक्चर, उसका बाइंडिंग नेचर, यस, फिर उसका हम लोगों को वैलेंसीज, फंक्शनल ग्रुप, ये सब देखना होता है. तो उसके लिए अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स यूज किए जाते हैं, अलग अलग मेथड्स यूज किए जाते हैं, ताकि आपको पता चलता है कि नैनो मटेरियल कहाँ तक बन चुका है या उसकी प्रोसीजर सही जा रही है या नहीं जा रही है. ओके, चल पहला देखते हैं, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी. यूवी विजिबल मतलब क्या, ये ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो यूवी लाइट को यूज करेगा. सो दिस इज यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी. ये आपको प्राइमरी इंफॉर्मेशन देता है नैनो पार्टिकल के बारे में, प्राइमरी इंफॉर्मेशन और कंफर्मेशन कि आपका नैनो मटेरियल बनना शुरू हुआ है कि नहीं. सो दिस गिव्स अ वेरी प्राइमरी कंफर्मेशन. अगला, एक्सरे डिफ्रैक्शन. दिस गिव्स यू अबाउट द आइडिया कि पार्टिकल साइज कितनी हो रही है, आपका जो नैनो मटेरियल बनने वाला है उसकी पार्टिकल की साइज, या फिर उसका क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, उसका स्ट्रक्चर क्या है ये बताएगा. मतलब नैनो ट्यूब है, नैनो शीट है, या वॉट एवर. सो दिस इज अ क्रिस्टल स्ट्रक्चर. अगला, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप दो होते हैं, ट्रांसमिशन एंड स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. तो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आपको स्ट्रक्चर ऑफ सरफेस मटेरियल, आपका जो मटेरियल है उसके सरफेस का स्ट्रक्चर बताएगा. और ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आपको पार्टिकल की फाइनल साइज बताएगा. यहाँ पे शुरुआत हुई है, एक्सरे डिफ्रैक्शन ने आपको जस्ट बताया कि कौन सी साइज बनना शुरू हो गया है, और ये कंफर्मेशन देगा कि साइज बन गई है कि नहीं, कि आपका नैनो मटेरियल और नैनो पार्टिकल का साइज कंफर्म कौन करेगा, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. ओके, देन फूरियर ट्रांसफॉर्म इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमीटर, ये नेम है, यस, ये आपको याद रखो. यहाँ पे इंफ्रारेड मटेरियल यूज किया जाता है, इंफ्रारेड लाइट यूज किया जाता है. सो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम लोग क्या क्या देखते हैं, देखो यहाँ पे उसका एब्जॉर्प्शन कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, उसकी एक्टिव साइट कौन सी है, कौन सा एक्टिव ग्रुप है, या फिर उसका बाइंडिंग नेचर. अंडरस्टूड? मतलब आपका जो नैनो मटेरियल बन गया है उसके अंदर अभी कौन से मेन बाइंडिंग फोर्सेस अवेलेबल है, कौन सा एब्जॉर्प्शन अवेलेबल है, एब्जॉर्प्शन फंक्शन ग्रुप अवेलेबल है, ये सब बताएगा. ओके, ये मैंने आपके सामने रखा है. अब मुझे बताओ यहाँ से यहाँ क्या क्वेश्चन का आंसर आएगा, बताओ. विच ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अबाउट द नैनो पार्टिकल कैन बी ऑब्टेन्ड यूजिंग यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर. यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, फर्स्ट केस प्राइमरी इंफॉर्मेशन है, जस्ट आपका नैनो मटेरियल बनना शुरू हुआ है कि नहीं. सो व्हाट विल योर आंसर, ए. सो प्रिलिमिनरी कंफर्मेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ नैनो पार्टिकल. सो क्या आंसर आएगा, ए. देखा, इसलिए टेबल दिया आपको, ये टेबल अच्छे से याद रखो आप लोग. डन, चल शुरू करेंगे. ओके, अगला लेते हैं. टेबल लिख लिया आप लोग ने, पक्का सारे बच्चे टेबल कॉपी कर लो बेटा. यस, यूवी स्पेक्ट्रो, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, एक्सरे डिफ्रैक्शन, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में दो है, एक स्कैनिंग एक ट्रांसमिशन, देन इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी. ये फूरियर करके नाम है ये. ओके, तो आपको याद रखना है इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी है ये बताता है आपको बाइंडिंग नेचर, ये बताएगा कन्फर्मेशन ऑफ पार्टिकल साइज, ये प्राइमरी इंफॉर्मेशन देगा, ये पार्टिकल साइज या क्रिस्टल स्ट्रक्चर कौन से बनने जा रहा है वो बताएगा, और ये सरफेस का स्ट्रक्चर मटेरियल.
डन ओके। चलो अगला एमसीक्यू ले रहे हैं हम लोग 17th। एक्सरे डिफ्रैक्शन गिव्स ऑल द इंफॉर्मेशन, मुझे बताने की जरूरत ही नहीं, आपके पास टेबल अवेलेबल है, आप टेबल से मुझे आंसर दे दो। एक्सरे डिफ्रैक्शन गिव्स ऑल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग नैनो पार्टिकल्स एक्सेप्ट, करेक्ट आंसर बता रहे बच्चे, वेरी नाइस। क्या बताएगा एक्सरे, एक्सेप्ट बोला, एक्सेप्ट एक चीज को छोड़ के सब बताएगा, कौन सा, बाइंडिंग नेचर। अब बताओ बाइंडिंग नेचर कौन बताता है, लास्ट वाला था ना इंफ्रारेड वाला, वेरी गुड बेटा, तो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी आपको बताएगा बाइंडिंग नेचर, क्लियर। चलो इंफॉर्मेशन अबाउट द मॉर्फोलॉजी स्ट्रक्चर, मॉर्फोलॉजी मीन स्ट्रक्चर, नैनोमीटर नैनो मटेरियल कैन बी ऑब्टेन यूजिंग, ये टीएम क्या है बेटा, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, फूरियर ट्रांसमिशन इंफ्रारेड टेक्निक्स। तो बताएं आपका आंसर आएगा, यस आपको मॉर्फोलॉजी स्ट्रक्चर के बारे में चाहिए तो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हेल्प करेगा, समझ गए, शॉर्ट फॉर्म्स याद रखो, ओके। चलो अब आपको मैच द कॉलम करना है, दो कॉलम दिए आपको मैच करना है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। रूबी रेड कलर ऑफ सम एंशियंट ग्लास पेंटिंग, कई जगह पे बहुत ऐसे एंटिक एग्जीबिशन लगते हैं एंटिक चीजों का, उसमें ग्लास पेंटिंग्स होते हैं, वो जो ग्लास पेंटिंग्स है ना बेटा उसमें वो जो पेंटिंग्स होती है उसमें कलर्स होते हैं, तो अगर रूबी रेड कलर है किसी एंशियंट समझते हैं बहुत पुराना वाला सदियों पुराना, तो एंशियंट ग्लास पेंटिंग में जो रूबी रेड कलर है वो किसकी वजह से, मैं आपको बता देती हूँ आंसर आप बताइएगा। एंशियंट ग्लास पेंटिंग का रूबी रेड कलर इज बिकॉज ऑफ, यस इट्स अ सिल्वर एंड गोल्ड नैनो पार्टिकल, सिल्वर एंड गोल्ड नैनो पार्टिकल्स जो होते हैं उनकी वजह से वो ग्लास पेंटिंग को रूबी रेड कलर आता है। कुछ कुछ चीजें आप याद रख लो, ये देखो रूबी रेड कलर एंशियंट ग्लास पेंटिंग को किसकी वजह से आता है, सिल्वर एंड गोल्ड, ओके। सिल्वर कैन बी ऑल्सो यूज इन द अल्ट्रा फिल्ट्रेशन यूज फॉर वाटर प्यूरिफिकेशन, ई कोलाय एश्चेरिशिया कोला करके, कोलाय एश्चेरिशिया कोला, ई कोलाय शायद आपने सुना होगा, ये बैक्टीरिया है, ये वाटर बॉर्न डिजीजेस क्रिएट करता है, मतलब अगर पानी में ई कोला है और वो पानी इन्फेक्टेड है तो वो अगर आप पिएंगे, ये ई कोलाय नॉर्मल फिल्टर से नहीं जाएगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको अल्ट्रा फिल्ट्रेशन यूज करो जहां पे सिल्वर का फिल्ट्रेशन यूज किया जाता है, ओके बेटा। अगला बता देती हूँ मैं, डेकोरेटिव पोटरीज, पोटरी जानते ना, डेकोरेटिव का मतलब क्या, जहां पे बहुत अच्छे अच्छे पेंटिंग्स निकाले गए, पोटरी जानते हैं आप लोग, यस मिट्टी के जो पोटरीज होते हैं वो, तो उन्होंने बोला है कि डेकोरेटिव पॉटरीज के लिए आप लोग क्या यूज करते हैं, यस इट इज यूज्ड ये वाला स्फेरिकल मेटालिक नैनो पार्टिकल्स, कोई भी मेटालिक नैनो पार्टिकल यूज कर दो फॉर डेकोरेटिव पॉटरी, उसके ऊपर ग्लेज आता है शाइन, ओके। और ये जो है टायर्स ऑफ कार, कार के टायर्स में अगर हम लोग कार्बन के नैनो पार्टिकल्स ऐड कर दे तो उसका स्ट्रेंथ बढ़ जाता है, ओके। अब आया सीलेंट्स, सीलेंट्स मतलब क्या, जो चिपकाने वाला नहीं होता है, सीलिंग के लिए यूज किया जाता है, हाँ एडेसिव, वेरी गुड एडेसिव, तो सीलेंट्स करके किसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग, सिलिका, यस दिस इज फ्यूम्ड सिलिका, सिलिका नैनो पार्टिकल्स विच आर फ्यूम्ड दे आर यूज्ड एज अ सीलेंट्स। तो अभी आप आंसर बता दो मुझे, मैंने सारे ऑप्शंस आपको बता दिए, करेक्ट आपका आंसर आ गया 1 के साथ सी, 2 के साथ ए, ये रहा आपका मेटालिक पार्टिकल्स, 3 के साथ आएगा डी मतलब ये कार्बन ब्लैक, और सीलेंट्स आएगा सिलिका नैनो पार्टिकल्स, आगे आंसर बराबर, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, नैनो पार्टिकल्स कैन बी यूज्ड टू मेक, वो तो ओके, स्क्रैच प्रूफ सनग्लासेस, सनस्क्रीन, सनस्क्रीन मैंने आपको बता दिया, जिंक ऑक्साइड एंड टाइटेनियम ऑक्साइड, स्क्रैच प्रूफ सनग्लासेस, ये क्या होता है बेटा कि जो भी ग्लास है ना, ग्लास के ऊपर आप सनग्लासेस या फिर इवन विंडो पैंस के ऊपर आप नहीं चाहते पानी का एब्जॉर्प्शन हो, इट शुड बी वाटर प्रूफ, या फिर इट शुड बी यस डस्ट फ्री,
तो उसके लिए आप लोग जो नैनो पार्टिकल्स यूज करते हैं वो है या तो सिलिका वाला यूज करेंगे, क्वार्ट्ज यूज करेंगे. यस, सो दीज आर नैनो पार्टिकल्स. तो बताइए, ये सनस्क्रीन में भी यूज होता है, स्क्रैच प्रूफ सनग्लासेस में यूज होता है, क्रैक रेजिस्टेंस पेंट पेंट में भी यूज किया जाता है. आपने एडवर्टाइजमेंट्स में देखा होगा पेंट्स जो यूज करते हैं उसमें देखो छोटे छोटे पार्टिकल्स दिखाते हैं. यस, तो ये जो नैनो पार्टिकल्स है उनका यूज यहाँ पर भी है. ओके, पेंट एक्चुअली क्या है बेटा? पेंट इज अ कोलॉइडल सॉल्यूशन, इट्स अ इमल्शन. पेंट इज अ इमल्शन. तो इमल्शन का मतलब क्या? जिसके अंदर दोनों लिक्विड्स एक साथ जुड़े हुए हैं. तो वहां पे आप लोग नैनो पार्टिकल्स ऐड करके उसकी काफी क्वालिटी बढ़ा सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, क्रैक रेजिस्टेंस. ये पेंट जब दीवारों पे लगेगा तो वो क्रैक से बचाएगा. सो दीज आर क्रैक रेजिस्टेंट पेंट. तो मुझे तो आंसर पता चल गया, ऑल ऑफ द अबव. सो व्हाट शुड बी योर आंसर? ऑल ऑफ द अबव. डन, समझे? तो ये रहा आपका 20 MCQ. क्वेश्चन नंबर 21, लोटस इफेक्ट. अभी लोटस इफेक्ट क्या है? आप लोग लोटस प्लांट को जानते हैं, फूल लोटस का. यहाँ पे लोटस इफेक्ट का मतलब क्या, थोड़ा ध्यान दीजिएगा. यहाँ पे ये जो लोटस के फ्लावर्स होते हैं या लोटस के प्लांट्स होते हैं, फ्लावर्स या प्लांट लोटस के, मुझे बताइए ये कहाँ ग्रो करते हैं? करेक्ट, मड में, या जहां पे पूरा कीचड़ है. दे ग्रो इन मड और ऐसी चीजों में जहां पे वाटर सोक है बहुत दिनों तक. ये तो लोटस प्लांट जो होते हैं, लोटस प्लांट, दे ग्रो इन मड. क्लियर? अब मुझे बताइए, मड के साथ साथ उसमें बाकी भी सारी चीजें होगी, लेकिन अगर आपने लोटस के लीव्स देखेंगे तो उसके ऊपर एक भी पार्टिकल किसी चीज का जमने नहीं देता है. वो लोटस के जो लीव्स होते हैं, इट डज नॉट अलाउ इवन वाटर ड्रॉप टू गेट अक्यूमुलेटेड, बिकॉज द लोटस प्लांट लीव्स आर सुपर हाइग्रोस्कोपिक, हाइड्रोफोबिक. हाइड्रोफोबिक फोबिया है उनको पानी से, तो पानी भी नहीं जमने देगा, डर्ट को भी नहीं जमने देगा. सो कैन आई से दैट लोटस लीव्स आर सुपर हाइड्रोफोबिक? यस, उनको फोबिया है किसका? हाइड्रो माने पानी का, और वो भी इतना नहीं, ढेर सारा. सुपर हाइड्रोफोबिक. सो लोटस लीव्स आर सुपर हाइड्रोफोबिक. यस, हेंस इवन दे ग्रो इन द मड और इन द वॉटर, दे डू नॉट अलाउ डर्ट टू गेट अक्यूमुलेट ऑन द लीव्स. दिस इज कॉल्ड लोटस इफेक्ट. ये नेचर ने बनाया है. ह्यूमंस इतने स्मार्ट है कि ह्यूमंस ने इसी का इस्तेमाल करके ऐसे नैनो पार्टिकल्स बनाए जो सुपर हाइड्रोफोबिक हो और जो वाटर रिपेलेंट हो. जो वाटर रिपेलेंट हो, क्या कहा मैंने? तो ये जो सुपर हाइड्रोफोबिक प्रॉपर्टी है लोटस लीव्स की, उसी को ह्यूमंस ने किस में अप्लाई किया? नैनो पार्टिकल्स. सो दे प्रिपेयर नैनो पार्टिकल्स विच आर सुपर हाइड्रोफोबिक एंड विच डू नॉट अलाउ डर्ट डस्ट टू गेट अक्यूमुलेटेड. इसीलिए इसको हमने नाम दिया लोटस इफेक्ट. ये कहाँ यूज करते हैं? ऑटोमोबाइल्स, विंडो के जो पैंस होते हैं, ये ग्लास के, उसको साफ करने के लिए, या कहीं भी ये नैनो पार्टिकल्स सेल्फ क्लीनिंग के लिए यूज किया जाता है. क्योंकि लोटस को थोड़ी आपने बताया था आप ऐसा करो, दिस इज कॉल्ड सेल्फ क्लीनिंग मैकेनिज्म. यस, ऑटो वॉश आप बोल सकते हैं, ऑटो वॉश. सो दिस इज अ सेल्फ क्लीनिंग मैकेनिज्म सीन इन लोटस प्लांट विच वी ह्यूमंस आर यूजिंग इन द नैनो टेक्नोलॉजी एज अ सुपर हाइड्रोफोबिक मटीरियल. तो बताइए यहाँ पे आंसर क्या आएगा? आर दे यूज इन द वॉटर प्यूरिफिकेशन टेक्निक? नो, वॉटर प्यूरिफिकेशन के लिए आपने, मैंने बोला सिल्वर का एग्जाम्पल याद रखो. इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लाइक MRAM? नो, नॉट हियर. ओके, यहाँ पे यूज किया जाता है कार्बन, याद रखिएगा, कार्बन के नैनो पार्टिकल. सेल्फ क्लीनिंग विंडोज, यस, यू गॉट द आंसर.
So what is the answer? Self-cleaning windows in making stronger and lighter surfaces. No. लॉन्गर एंड मतलब ये जो स्ट्रॉन्गर एंड लाइटर सरफेस बनाने के लिए हम लोग नैनो शीट का इस्तेमाल करते हैं. ओके तो आपका आंसर आएगा सेल्फ क्लीनिंग विंडोज. ओके ये लोटस का लीव माय विंडो की तरह है और उसको क्लीन रखना लोटस का काम है बिकॉज इट सीक्रेट्स सुपर हाइड्रोफोबिक मटेरियल. अंडरस्टूड. तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 21. लेट्स मूव टू 22. Identify the incorrect गलत वाला स्टेटमेंट पूछना है आपको फ्रॉम द फॉलोइंग. इट कैन ब्रिंग रिवोल्यूशन इन द इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटिंग. वेरी गुड. काफी तरक्की की है नैनो टेक्नोलॉजी की वजह से हम लोगों ने. सो इन द केस ऑफ रिवोल्यूशन, रिवोल्यूशन इज वॉट प्रोग्रेस इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटिंग. वेरी करेक्ट. इट विल मेक सोलर पावर मोर इकोनॉमिकल. वेरी करेक्ट. इट कैन बी यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ द लाइफ थ्रेटनिंग डिजीजेस. जैसे मैंने आपको गोल्ड पार्टिकल का एग्जाम्पल बताया. गोल्ड पार्टिकल्स कैन बी यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर. यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट सुवर्ण भस्म. यस. तो वो काफी छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं गोल्ड के जो हम लोग यूज करते हैं कैंसर ट्रीटमेंट के लिए. ओके. इट इज पॉल्यूशन फ्री. नो नो. ये पॉल्यूशन क्रिएट करेगा. तो इनकरेक्ट पूछा है तो आपका आंसर आएगा डी. It is not pollution free. It is causing pollution also. Okay? तो answer आएगा D. चलिए 23rd. Find the incorrect statement. बोलिएगा आप लोग कौन सा incorrect statement है? The melting point of nanomaterial changes drastically and depend on the size. Very correct. Thermal property. Thermal property. The term nanotechnology was defined by Professor Nari Taniguchi in 1974. ये भी correct है. नैनो पार्टिकल्स कैन कॉन्ट्रीब्यूट टू स्ट्रॉन्गर लाइटर क्लीनर एंड स्मार्टर सरफेस ऑफ द सिस्टम. यस. और लास्ट वेरी लो सरफेस. नो. यहीं पे गलत हो गया. सरफेस बड़ी है टू वॉल्यूम रेशियो इज एन इंपॉर्टेंट. नो. गलत गलत गलत. क्या होना चाहिए था बेटा? सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो इंक्रीजेस. क्यों? सरफेस एरिया बढ़ रहा है. लो नहीं हो रहा है. वेरी हाई. It should have been very high. तो incorrect statement आ गया D. Done. चलिए. All the following statements are correct except एक गलत है ढूंढना आपको. Nano particles of zinc oxide, titanium oxides present in the sunscreen protect the skin from UV light. आपको मालूम है ये. Nano particles can cause lung damages. Nano particles. Yes, ये भी सही है. Yes, because they get adhere, they get absorbed. Yes, on the lung, alveoli of the lungs. Okay, bada? A zero dimension structure is one in which all the three dimensions are in the nanoscale. Okay? Ye bhi sahi hai. Zero dimension bola hai. Matlab, ek hi nanoscale mein rahega. Ya to length, ya to breadth. One nanometer is 1 millionth of a meter. No. One nanometer is 10^-9 of a meter. It is not... मिलियन. मिलियन कितना होता बेटा? 10^6. यहाँ पे क्या आएगा? 9. कौन सा कन्वर्जन फैक्टर है? 9. यस. तो आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा हो गया? डी. चलो 25th. एक ग्रीन केमिस्ट्री का क्वेश्चन डाल दिया. ग्रीन केमिस्ट्री इज एन इम्पोर्टेंट अप्रोच टू केमिस्ट्री दैट एम्स टू -& हेल्थ एंड एनवायरमेंट. क्या करेगा? हेल्थ को इम्प्रोवाइज करेगा, एफिशिएंसी बढ़ाएगा. किसकी? दैट एम्स टू मैक्सिमम एफिशिएंसी एंड मिनिमम हैजार्डस टू हेल्थ एंड एनवायरनमेंट. तो मैक्सिमम एफिशिएंसी मतलब आप कम से कम क्वांटिटी में एफिशिएंसी बढ़ाओ और कम से कम एनवायरनमेंट को खराब करो. हैजार्डस, डेंजरस. ओके तो आपका आंसर आएगा बी. मैक्सिमम एफिशिएंसी एंड मिनिमम हैजार्डस इफेक्ट. ओके तो आज हमने 25 एमसीक्यू लिए. सारे एमसीक्यू किसके ऊपर लिया आज हमने? नैनो टेक्नोलॉजी. जो जो पढ़ाया गया रिवाइज करो. ओके. या वी स्टॉप या. थैंक यू.